कुंभ की पूरी मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हर एक श्रद्धालु को देखने को मिलेगी और स्वच्छ कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का दर्शन भी इस बार श्रद्धालु जनों को वहां पर देखने को मिलेगा। मेला क्षेत्र में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, गत कुंभ में 80,000 श्रद्धालु जनों के लिए और संस्थाओं के लिए वहां पे टेंटेज की व्यवस्था की गई थी, इस बार ये संख्या बढ़कर के 1,60,000 यानी पिछली बार की तुलना में दुगनी संख्या में लोग वहां पर आएंगे और वहां पे किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन किसी भी स्तर पर न हो इसका भी पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था। 40,700 एलईडी स्ट्रीट लाइट गत कुंभ में लगाई गई थी, इस बार लगभग 67,000 एलईडी लाइट स्ट्रीट लाइट, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट और दो नए जो हमारे विद्युत सब केंद्र हैं स्टेशन हैं उनकी स्थापना की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भी 1,249 किलोमीटर की पाइपलाइन और वाटर एटीएम, 200 वाटर एटीएम के साथ साथ 85 नलकूप भी वहां पर जगह जगह पूरे कुंभ क्षेत्र में स्थापित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। यानी प्रयागराज कुंभ विरासत विकास और उत्तर प्रदेश की पहचान को, भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई पहचान देने का एक नया अभियान होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की विरासत की और विकास की इस यात्रा के साथ प्रयागराज महाकुंभ एक नया अवसर हम सब के साथ प्राप्त हुआ है। हम निश्चित ही इस अवसर का के अवसर इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया को प्रयागराज में आमंत्रित भी कर रहे हैं, उनके स्वागत और सम्मान के लिए पूरा उत्तर प्रदेश वहां पर तैयार रहेगा और हमें प्रयागराज कुंभ के माध्यम से अपनी विरासत को, सनातन धर्म के इस भव्य और दिव्य आयोजन को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक अवसर प्राप्त होगा।